आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेंद्र नाथ पांडे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी जो सरकार ने ये प्रोजेक्ट ये फार्मूला दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, अभी इसमें केवल लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है। इन दो बड़े जनरल इलेक्शंस के अलावा दूसरे और भी तमाम इलेक्शंस हैं जो होते रहते हैं, उनके बारे में चीज़ें साफ नहीं हैं। जैसे जो निकायों के चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं और दूसरे तमाम तरह की चीज़ें हैं, फिर बाई इलेक्शंस होते हैं, तो जो ये कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव होंगे तो अच्छा रहेगा, खर्चा कम होगा। खर्चे की वजह से लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व है। खर्चा होगा इसलिए आप चुनाव नहीं कराइए, ये बात मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि फिर तो चुनाव की ज़रूरत ही क्या है। अगर ये फार्मूला लगाना है कि खर्चा बढ़ रहा है अलग अलग चुनाव कराने से, और जब देश आज़ाद हुआ तब चुनाव सारी विधानसभाओं के और लोकसभा के एक साथ हुए थे, ऐसा दो तीन बार हुआ। बाद में दिक्कत पैदा हुई जब बीच में सरकारें गिरने लगी, अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, तब चुनाव की ज़रूरत थी। उस बारे में फार्मूले में अभी कुछ नहीं है कि अगर सरकार बीच में गिर गई तो चुनाव कराओगे कि नहीं कराओगे, इस पर अभी कुछ नहीं है सरकार की तरफ से भी, और कमेटी तो अभी खैर अपने इनिशियल स्टेज में है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन फिजेबल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आप कर दो एक बार, थोड़े दिन बाद जैसे शुरू में देश के आज़ादी के बाद जो वन एक साथ चुनाव हुए थे, बाद में वो परंपरा टूटी, बाद में चुनाव होते रहे। किसी की डेथ हो जाएगी तो आप क्या करोगे, कितने साल तक उसको रखोगे, चुनाव नहीं कराओगे या कब चुनाव कराओगे? या बीच में अगर सरकार कोई किसी राज्य सरकार भंग हो गई तो उसके लिए क्या करोगे, क्या उसको पर राष्ट्रपति शासन लगाओगे, या उसको जो दूसरा चुनाव कराओगे तो उस सरकार का चुनाव टेन्योर कितना होगा? क्या फिर मान लीजिए 3 साल बाद कोई सरकार गिर गई, नया चुनाव करा दिया, तो 2 साल बाद वो फिर भंग कर दोगे, फिर चुनाव कराओगे? आपका ये फार्मूला कि खर्चा कम होगा कहाँ रह गया अगर बार बार आपको करना पड़ता है। और सरकारों का जैसे पहले होता था कि स्टेबल थी अपेक्षाकृत, अब छोटी छोटी पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, उनमें कब कौन पार्टी दल बदल के कौन नेता, कब पूरी की पूरी पार्टी बदल जा रही है, एक दो नेताओं के बदलने से सरकारें गिर जाती हैं, आप उसके लिए क्या करोगे, चुनाव कराओगे नहीं कराओगे? तो मैं समझता हूँ ये खाली कहने सुनने में अच्छा लगता है, फीजेबल नहीं है, ना ही ये राष्ट्रहित में है। सर, इससे पहले भी अभी जो ये समिति बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन की, इससे पहले जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पहली बार जब चुनाव हुए थे तब भी तो ये चीज़ लागू थी, ये चीज़ हो ही रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन था तब भी, फिर अब आप क्यों नहीं है सहमत इससे? मैंने यही कहा ना कि तब था तो क्यों टूट गया ये सिस्टम, क्यों टूटा? क्योंकि सरकारें बीच में गिरने लगी। आपके इस फार्मूले में अभी सरकार ने क्या दिया है इसके बारे में फार्मूला, बीच में सरकार गिर जाएगी तो क्या करोगे, चुनाव कराओगे या नहीं कराओगे? कराओगे तो अगली सरकार जो बनाओगे उसका टेन्योर कितना होगा? अगर मान लीजिए कोई सरकार 3 साल बाद गिर गई तो अगली सरकार चुनोगे वो 2 साल के लिए चुनोगे, फिर चुनाव कराओगे, ये किस हिसाब से, कौन सी बुद्धिमानी है? या उसको 5 साल अगर दोगे तो फिर अगले 3 साल बाद चुनाव कराना पड़ेगा दूसरे टेन्योर में, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे फीजेबल है? किसी तरह नहीं हो सकता। फिर 4 साल बाद तोड़ोगे, ये तो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है, सरकार को लगता है कि भाई एक साथ चुनाव कराने में हमारा फायदा होगा, हम एक साथ अगर लोकसभा जीते हैं तो विधानसभा भी जीत जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। लोकसभा में दूसरे कंसिडरेशन होते हैं, विधानसभा में दूसरे कंसिडरेशन होते हैं, विधानसभा में लोकल मुद्दे हावी होते हैं, लोकसभा में
नेशनल मुद्दे हावी होते हैं और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब बातों को समझती है, वो अपने नेशनल मुद्दे और लोकल मुद्दे दोनों पर जनता आजकल उतनी अशिक्षा उतनी वो नहीं है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग समझ रहे हैं, हर आदमी अखबार पढ़ता है, रेडियो टेलीविजन देखता है, सबके पास मोबाइल है, तो लोगों की सूचनाओं तक एक्सेस बढ़ी है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी को पता नहीं है, वो अपने जानते हैं कि जरूरी नहीं लोकसभा में अगर एक पार्टी को कोई इलेक्ट कर रहा है तो विधानसभा में उसी पार्टी को इलेक्ट करें, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला फीजेबल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट एस एन पांडे, जिनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से यह बिल्कुल सहमत नहीं है। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स, नमस्कार।